सबसे पहले मेरा ओर से, मेरा परिवार की ओर से, और मेरा एज ए स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ एनसीपी पार्टी की ओर से, हमारे महान भारत देश का जो जनता है, जनजाति है, और यहाँ प्रदेश का जो लोगों में, खासतौर पे नामसाई के जो यहाँ पे अलग अलग या मिनी इंडिया के नाम में जाना जाते हैं, यहाँ पे बहुत से ट्राइब है, खासतौर पे यहाँ पे जो सिंको कमती है, खोतानी है, आगे जो आसामीस है, कसारी है, आदिवासी है, बिहारी है, बंगाली है, नेपाली है, मुसलमान है, अलग अलग जाति यहाँ बसे हुए हैं। उन सबको मेरा ओर से मैं यहाँ जो नामसाई पे यहाँ आज आने का मकसद ये है कि मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगा, जो स्वतंत्रता दिवस, जो 78th इंडिपेंडेंस डे को, हम इंडिपेंडेंस डे को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा और बधाई देना चाहूंगा, मुबारक देना चाहूंगा। और यहाँ पे आने का मकसद ये है कि आप पहला बार मैं नामसाई में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने देखा होगा थेम आत्मनिर्भर, कि यहाँ पे सेल्फ रिलायंस, नामसाई एक ऐसा जगह है, यहाँ पे इतना फर्टाइल लैंड है, यहाँ के जो लोग हैं अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। मैं शुरुआत से भी यही कहना है कि यहाँ के लोग को है, जरूरी नहीं कि सब सरकार का नौकरी करना सबको जरूरी नहीं है, बल्कि एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना बहुत जरूरी है। वैसे में आज के दिन में मैं शुरू करने वाला था कि किस तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, किस तरीके से आप अपना घर पे रह के भी आप पैसा कमा सकते हैं, तो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, और जो अलग अलग डायरी, अलग अलग चीज, मतलब तरीके हैं जो कि यहाँ के लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, एक सेल्फ सफिशियंट हो सकते हैं। तो उसको मैं शुरुआत आज ही शुरू करना था, लेकिन आज नहीं कर पाया। लेकिन आज जस्ट इनफॉर्मल हम लोग गैदरिंग, इनफॉर्मल एक कॉम्पिटिशन होंगे, और यहाँ के नामसाई के लोग यही कहना चाहूंगा कि एक दूसरा जो एक दूसरा को प्यार बांटे और एक दूसरा प्यार से रहे। यहाँ पे नामसाई में बहुत सी फ्यूचर, नामसाई के लिए, नामसाई का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप नामसाई के लोग मुझे साथ दीजिए, मैं आप सबको आगे लेके मंजिल की ओर लेके जाऊँ। जैसे कि आपने अभी बताया है ना, तो ऐसे ही अभी नामसाई का जो यंग यूथ का बारे में आपने मीडिया में काफी सुना होगा, जो ड्रग्स को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को लेके, तो आज इंडिपेंडेंट डे के मौके पे आप यंग यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यंग जनरेशन को मेरा भी पहले से यही कहना है कि यू गेट लाइफ वंस, जिंदगी बहुत प्रीशियस है, अपना जिंदगी बहुत प्रीशियस है। और खास तौर पे जितने भी यंग जनरेशन को यही कहना चाहूंगा कि यू ऑल आर द एसेट ऑफ योर पेरेंट्स, आप एक, आपका माँ पिताजी आपका पेरेंट्स का एक एसेट है, आपके ऊपर बहुत भरोसा है माँ पिताजी की, माँ पिताजी की ओर से, कि आप सबको एक कामयाबी इंसान देखना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल इंसान देखना चाहते हैं। तो आप यहाँ के यंग जनरेशन, खास तौर पे नामसाई के लोगों को यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे बहुत सी यंग जनरेशन जो ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं, ड्रग एडिक्ट होने के कारण सिरिंज मारने की वजह से एड्स जो कि नेक्स्ट टू कैपिटल हो चुके हैं, एड्स बीमार जो है बहुत खराब बीमार है हो चुके हैं, और हेपेटाइटिस बहुत ज्यादा है यहाँ पे। मेरा ये कहना है कि हेल्थ इज वेल्थ, आगे अपना बदन को ठीक कीजिए, आप हेल्थ को मेंटेन कीजिए, और हेल्थ को मेंटेन करके यहाँ पे जो है सेल्फ एम्प्लॉय करना, जरूरी नहीं कि आप सब नौकरी करना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने की कोशिश कीजिए। मेरा साथ जो भी आएंगे मैं जरूर गाइड करूंगा, मैं सिखाऊंगा। और आज से ये एक इंडिपेंडेंस डे, 78 इंडिपेंडेंस डे में ये एक यहाँ के यंग जनरेशन को एक रेजोल्यूशन लेना है कि जितना भी बैड हैबिट्स यानी ड्रग्स एडिक्ट, कुछ कुछ जितना भी गंदा चीज को आज से छोड़ना चाहिए और नया जिंदगी शुरू करना चाहिए। नया जिंदगी शुरू करके आने वाला कल में एक न्यू नामसाई, यानी मोस्ट एडवांस नामसाई, और डिजीज फ्री नामसाई, यानी एड्स फ्री, हेपेटाइटिस फ्री, और यहाँ के ड्रग्स फ्री नामसाई बनाने में हम सब एकजुट होकर काम करें।